हेलो फ्रेंड्स, स्मृति किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको घर में पड़े कपड़े से मास्क बनाना बताऊंगी, जो धोने के बाद फिर से आप उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 से 3 तरह का मास्क बनाना बताऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, हम मास्क बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे 30 सेंटीमीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा कपड़ा लिया है। अब इसको हम डबल लेयर में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको सिलाई मशीन पे सिल लेंगे चारों तरफ से। आप चाहे तो सुई धागे की सहायता से भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए, हमने दो तरफ से सिलाई कर लिया है। इधर का मुंह हमने खुला रखा है। अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये हमारा सीधा हो गया। अब ये जो मुंह हमने खुला रखा था, इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसमें मशीन चला लेंगे। ये देखिए, हमने इधर का भी सिलाई कर लिया है। तो अब देखिए, इस तरह से हम अब इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इधर से मशीन चला लेंगे। आप सुई, ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। चलिए, तो इसका अब हम डोरी बना के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 1.5 इंच का कपड़ा लिया है, इससे अब हम डोरी बना लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमने डोरी बना के तैयार कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से इसमें ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पे इसमें ज्वाइन कर ले इस। ये देखिए, हमने यहाँ पे एक डोरी को ज्वाइन कर लिया है। अब इसको इस तरह से हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, तो ये कान में फंसाने वाला बन जाएगा। हमारे पास इलास्टिक नहीं था, इसलिए हमने इस तरह से डोरी बना के बनाया है। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे ये मास्क कान में फंसाने वाला तैयार कर लिया है। इसी तरह से एक और हमने यहाँ पे बनाया है, जो एक ही ये बांधने वाला है। ये देखिए, हमारे पास इलास्टिक नहीं था, इसलिए हमने ये डोरी का इस्तेमाल किया है इस तरह से। आपके पास अगर इलास्टिक है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल स्मृति किचन को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। तो प्लीज स्टे होम।